हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। घर में झाड़ू को ऐसे ना रखे, वरना हो सकती है धन की रुकावट। दोस्तों, झाड़ू को घर में इस प्रकार रखे तो आप घर में धन की वर्षा कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं महालक्ष्मी की कृपा होती है, महालक्ष्मी जी वहाँ आगमन करती हैं। अगर आप अपने घर को साफ सफाई रखते हैं तो आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा जरूर होती है। दोस्तों, अब मैं आप सबको बताती हूँ, झाड़ू को घर के मुख्य द्वार पर ना रखें। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रकोप होता है और जिसकी वजह से आपके घर में धन की कमी होती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, कि झाड़ू को हमेशा ढक कर रखें। ऐसा करने से आपको बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलता है, साथ ही आपके घर में धन की उन्नति होती है। दोस्तों, खाने की जगह पे या खाना बनाने की जगह पे झाड़ू को ना रखें, यानी कि आप किचन में यानी रसोई घर में और डाइनिंग रूम में झाड़ू ना रखें। ऐसा करने से महालक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आप इतना याद रखें कि दिन में झाड़ू को छुपा के रखें और रात में मुख्य द्वार के पास झाड़ू को रखने से आपके घर में नकारात्मक शक्तियां कम हो जाती हैं। साथ ही दोस्तों, याद रखें कि जब भी आप झाड़ू खरीदें तो कम से कम 3 झाड़ू एक साथ ही खरीदें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं, जिसकी वजह से आपके घर में कलेश व आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। माना जाता है दोस्तों, थर्सडे यानी कि वीरवार के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से महालक्ष्मी नाराज हो जाती है, जिससे हमारे घर में धन की कमी होती है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप रोजाना घर पे झाड़ू पोछा करते हैं तो इससे आपके घर की सारी समस्याएं दूर होती है और महालक्ष्मी जी और कुबेर जी की कृपा बनी रहती है। जब आप घर में पोछा लगाते हैं तो थोड़ा नमक पानी में मिला दें। ऐसा करने से नमक वाले पानी से घर पे पोछा लगाने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा घटती है। झाड़ू को कभी खड़ा ना रखें। ऐसा करने से महालक्ष्मी जी बुरा मान जाती हैं और आपके घर में समस्याएं आ जाती हैं। दोस्तों, झाड़ू पर कभी पैर ना रखें। ऐसा करने से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे महालक्ष्मी जी और साथ ही कुबेर जी भी नाराज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में धन की कमी होती है और आर्थिक तंगी बनी रहती है। रात में झाड़ू और पोछा नहीं करना चाहिए। कहते हैं शाम में माँ लक्ष्मी और कुबेर जी आगमन करते हैं, जिसकी वजह से हमें शाम के समय झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, याद रखें कि कभी भी घर की सफाई टूटे झाड़ू से नहीं करना चाहिए। इसे अपशगुन माना जाता है और साथ ही इससे हमारे घर में धन की कमी बनी रहती है। दोस्तों, आप झाड़ू को इस तरह रख कर अपने घर में धन की वर्षा करा सकते हैं। अगर आप झाड़ू को इन नियमों के तहत रखते हैं तो आपके घर में धन की वर्षा होगी। माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके घर में खुशहाली भी आएगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर आएंगे ऐसे ही कोई उपाय लेकर, जिससे आप अपने घर में धन की वर्षा कर सकते हैं और साथ ही सुख शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।